इसके पहले हमने पैराबोला देखा था, अब हम देखते हैं यहाँ पे इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है चक्रण। चक्रण का मतलब ये होता है कि एक अगर मान लो ढोल आपने लिया, उसको उस तरीके से उसमें एक धागे को लपेट दिया आपने, उसको उसको इस तरीके से उछाल के खोला, तो वो इस तरीके से खुलता है आपका वो ढोल आपका। तो इस टाइप की जो आकृति बनती है वो कहलाती है आपकी चक्रण, इसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूट। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिखते हैं इसका। ये चक्रण का हमने आपको चक्रण का बेसिक तो बता दिया, बस चक्रण एक प्रकार की आकृति ही है, उसको कैसे बनाया जाता है वो अब देखेंगे आपको। अब हमने क्या किया, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं इसका। तो लिखिए क्वेश्चन इसका, एक 20 mm भुजा वाले त्रिभुज में चक्रण का निर्माण कीजिए। 20 mm भुजा दी है आपको इसमें, और एक ही भुजा दी है, इसका मतलब ये है कि आपका जो त्रिभुज है वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज आपका बनेगा। तो हमने एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से पहले, उम्मीद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज सब अच्छे से बना सकते हैं, बगैर हमको बताया जाता है कुछ त्रिभुज के बारे में, ए बी और जे सी। इस तरीके से हमने त्रिभुज बनाया। आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ इतनी जगह छोड़ना है कि ड्राइंग आपकी थोड़ी सी ऊपर भी जाती है। अगर देखा जाए तो आपकी ड्राइंग सीखें तो लगभग आप इसको यहाँ कहीं से ऐसा बना सकते हैं इस चक्रण को आप, तो ऐसा कुछ परमिशन रहेगा आपका इसका। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें अब हमें इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ाना है, कितनी भी लंबी आगे बढ़ाई हमने, अब इस लाइन को कितनी भी लंबी आगे बढ़ा सकते हो आप, और इस लाइन को भी आपने इस तरीके से आगे बढ़ाया। अब क्या करना है आपको, इसके बाद राउंडर की नोक को रखना है बी में और लेके ए तक फिर आगे इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसा हाथ बनाना है। ये इस बार क्या था, सेंटर आपका यहाँ पे पहले बार बी था, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, राउंडर की नोक को रखेंगे ए पे और फैलाएंगे इस नए वाले पॉइंट तक। इसको टिक कर देता हूँ यहाँ से, ऐसा यहाँ से यहाँ तक फैला के ऐसा जाएंगे आप इसको, ये इस तरीके से। मतलब क्या है, राउंडर की नोक पहले बार में सेंटर था बी से सी, दूसरे बार में सेंटर आपका आया ए से लेके यहाँ तक, इसको डी नाम दे देते हैं, डी नाम। अब सेंटर क्या बनेगा आपका, सी से लेके ई तक, इसको मैं ई नाम देता हूँ, ई नाम दिया मैंने। अब इसको लेकर फिर घुमाऊंगा पूरा मैं, इस तरीके से आखिरी में जाके ये मिल जाएगा आपका, तो इसको यहाँ पे ई के बाद एस नाम करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये इनवॉल्यूट आपका चक्रण बन चुका है त्रिभुज के लिए। अब अगली क्लास में इसके हम आगे की ड्राइंग देखेंगे।